गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और सफ़र 2 स्टार्ट हो चुका है। तो गाड़ी आके लग चुकी है, हम लोग गोरखपुर स्टेशन पे हैं। तो अभी सफ़र शुरुआत होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से यहाँ ज़्यादा ही बारिश हो रहा है यूपी में, तो यहाँ के जो खेत वगैरह हैं पूरी तरीके से भर चुके हैं, सब जगह पानी ही पानी बस दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। दोस्तों भी आप जो ये देख पा रहे हैं हमारे यूपी रोड का सबसे बड़ा जंगल है दोस्तों। कम से कम इसको पार करने के लिए 2 मिनट तो लग जाता है अगर हम इस स्पीड से चल रहे हैं। और ये दोस्तों लगभग 2.5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ही लंबाई में फैला हुआ है और ये बहुत ही बड़ा जंगल है दोस्तों। अब इसमें बहुत तरह के जानवर भी पाए जाते हैं ऐसा मैंने सुना है, लेकिन फिक्स नहीं पता क्योंकि मेरे लोकेलिटी एरिया से बहुत दूर है तो कभी विजिट नहीं किया। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही काफ़ी बड़ा और घना जंगल है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल नेचर की दिख रहा है दोस्तों। और बहुत ही इंटरेस्टिंग यार, ट्रैवलिंग मज़ा आ गया दोस्तों इसे देखकर। सफ़र बहुत ही रोमांचक लग रहा है आगे तक होने वाला है। तो वीडियो देखते रहिए, मज़े कीजिए। तो दोस्तों अभी आप जो देख पा रहे हैं ये गोमती नदी जो कि गंगा से लिंक होते हुए बहती हुई आती है, और इस समय बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा भर गया है दोस्तों। बहाव बहुत तेज है, दूर दूर तक बस पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग लखनऊ स्टेशन पे पहुंच ही रहे थे कि सामने इतना ब्यूटीफुल बैकग्राउंड के साथ इतना सुंदर मस्जिद देख कर दोस्तों दिल खुश हो गया। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है दोस्तों, क्या दिख रहा है, वाओ अमेजिंग। तो दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग खंडवा में पहुंच चुके हैं। तो उसे माफ़ करना क्योंकि लखनऊ के बाद इतनी बारिश हुई कि मैं उसके बाद का कुछ शूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी वीडियो में और भी रोमांचक चीज़ बचे हुए हैं और लोग अभी सो रहे हैं आप देख सकते हैं।
दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र रोड पे कितनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग और जो जंगली फ्लावर है बहुत अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों, रंग बिरंगे। और आप आगे जाकर देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे सब्जियाँ भी लगाए रहते हैं रेलवे रोड के साइड में। तो दोस्तों ये सब देख के बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ा भी आता है ऐसे रोड पर चलने में और सफ़र में। तो ऐसे रोमांचक नेचर और एग्रीकल्चर देख के तो मज़ा आ जाता है हर जगह का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो दिख रहे ग्रीन कलर के ये सब ग्रेप्स के पेड़ हैं, मतलब हम लोग नासिक पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र में अभी भी बैलगाड़ी जो हल है वही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो दोस्तों अभी कितनी बड़ी बात है। दोस्तों अभी का आप नेचर देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कि पहाड़ पूरे बादलों में समा गया है। और अभी का नेचर देख के बस ऐसा लग रहा है कि केदारनाथ की वादियों में आ गए और हर जगह बस ठंडगी महसूस हो रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है दोस्तों, वाओ अमेजिंग एकदम। तो दोस्तों आखिरकार पहला टनल आ गया और लोग आप देख सकते हैं कि कितना एनर्जेटिक लग रहे हैं इस कोच के लोग और बहुत ही ज़्यादा शाउटिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग सफ़र को सच में एंजॉय कर रहे हैं और ऐसा लग पहली बार मैंने देखा है दोस्तों कि सभी लोग शाउटिंग कर रहे हैं और पूरे इंजॉयमेंट में हैं, सफ़र को लोग इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही चाहिए, आप जब भी सफ़र करें तो पूरे एनर्जेटिक के साथ करें, दिल खुश हो गया दोस्तों सच में, बहुत मज़ा आया ये देख कर। तो दोस्तों भी आगे एक और टनल आ रहा है, तो देखते हैं अभी लोगों का रिएक्शन क्या होता है, कि वही शॉपिंग करते कि नहीं, कि लोग अभी शांत रहते तो दोस्तों देखने वाली बात है। और नो दोस्तों फिर से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सच में लोग सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं, ये देख के तो बहुत मज़ा आ रहा है और इंजॉयमेंट और भी हाई लेवल।
ट्रैवल हो गया। तो दोस्तों देख रहे हैं इस सफ़र में कितना इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा कर दिया दोस्तों इन लोगों ने, दिल खुश हो गया दोस्तों ये सब देख के। तो दोस्तों फाइनली दो दिन के बाद आखिरकार मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों आई होप आपने भी वीडियो एंजॉय किया है। अगर वीडियो एंजॉय किया तो दोस्तों लाइक और शेयर किए बिना ना जाइए। और ऐसे ही आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही, लेट्स वॉच द नेचर्स। तो बाय बाय दोस्तों।